दोस्तों आज तारीख है 13 जून 2020, दिन शनिवार। और हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी फाइनली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ मार्केट में आ चुका है। हमेशा की तरह शुरुआत के कुछ पेजेस एडिटोरियल पेजेस हैं और उनमें रिक्रूटमेंट की कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। रिक्रूटमेंट की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिलती है पेज नंबर 3 पर, जहां पर एक यूपीएससी की तरफ से इंपॉर्टेंट नोटिस भी है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है 16 अक्टूबर 2020 से इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहा है और 10 जून 2020 से इसके लिए आवेदन भी स्टार्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो रिक्रूटमेंट की पहली नोटिफिकेशन है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त राइट साइड में है। 167 मिलिट्री हॉस्पिटल पठानकोट की तरफ से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है, जहाँ पर पेंटर और टिन स्मिथ के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th प्लस ITI के कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। सैलरी की बात की जाए तो काफी अच्छी सैलरी ऑफर की जा रही है, 19,900 से 63,200, जो कि CPC 7 लेवल 2 की सैलरी है, 5,200 से 20,200, 1900 रुपए ग्रेड पे के साथ। पठानकोट इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 3 जुलाई 2020 तक आपकी एप्लीकेशन बाई पोस्ट पहुंच जानी चाहिए। ऑफलाइन माध्यम से दोस्तों आपको इसके लिए आवेदन करना है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी पेज नंबर 3 से ही आ रही है, CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की तरफ से, जहां पर टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए 23 वैकेंसीज निकाली गई हैं। BSc कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि BSc के केस में 1 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और डिप्लोमा के केस में 2 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। 28 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। CPC 7 लेवल 6 की यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है, जो कि 35,400 से स्टार्टिंग है, अलाउंसेस अलग से होंगे। धनबाद झारखंड इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है और ऑफलाइन माध्यम से 25 जुलाई 2020 तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 2 पेजेस डायरेक्टली विदाउट एनी नोटिफिकेशन जाते हैं, एडिटोरियल पेजेस हैं दोनों। इसके बाद पेज नंबर 6 आ जाता है, जहां पर रिक्रूटमेंट की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ रही है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग की तरफ से। ड्राइवर्स की वैकेंसीज जारी की गई हैं, 10th पास कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 20 से 37 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। 5,910 से 20,200, 2400 रुपये ग्रेड पे के साथ, अलाउंसेस अलग से होंगे, सैलरी ऑफर की जा रही है इनिशियली। चंडीगढ़ इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। ऑफलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है और इसकी लास्ट डेट है 10 जुलाई 2020। रिक्रूटमेंट की अगली नोटिफिकेशन भी इसी पेज से आ रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं मिडिल वाली जो नोटिफिकेशन है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, जहाँ पर बॉयलर अटेंडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं से लेकर के ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 23 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है बॉयलर की पोस्ट के लिए, बॉयलर अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। इसके अलावा बाकी सभी वैकेंसीज के लिए एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम 56 ईयर्स। सैलरी की बात करें तो 20,000 से लेकर के 67,000 रुपये यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है इनिशियली। सहारनपुर उत्तर प्रदेश इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। ऑफलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, 12 जुलाई 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। बिल्कुल सेम डिपार्टमेंट से, इसी डिपार्टमेंट से एक और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलती है पेज नंबर 8 से। ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर पेज नंबर 7 है। अब आ गए हम पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर आप देखिए लेफ्ट साइड में एक और नोटिफिकेशन है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। यहां पर वैकेंसी निकाली गई है साइंटिस्ट ग्रेड बी और टेक्निकल ऑफिसर के लिए। BE, BTech, BSc कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो साइंटिस्ट ग्रेड बी के लिए 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा बाकी सभी वैकेंसीज के लिए 35 साल एज लिमिट रखी गई है। 56,000 से लेकर के 1,77,500 रुपये की यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है इनिशियली। लोकेशन इसमें भी सेम रहने वाली है जो कि पिछली वैकेंसी में थी, यानी कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश। अप्लाई आपको करना है इसमें भी ऑफलाइन माध्यम से और 27 जून, इस बात का ध्यान रखना है इसकी लास्ट डेट अलग है, 27 जून 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। पिछली वैकेंसी की लास्ट डेट थी 12 जुलाई 2020। रिक्रूटमेंट की अगली नोटिफिकेशन भी पेज नंबर 8 से ही आ रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त आपके राइट साइड में नोटिफिकेशन है।
नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की तरफ से नोटिफिकेशन है। साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। एमई एमटेक और पीएचडी कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है मैक्सिमम 32 साल। सैलरी रखी गई है 67,700 से 208,700। लोकेशन है इसमें बेंगलुरु और ऑनलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। 6 जुलाई 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगली नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 9 से और ये जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से, शॉर्ट में से GIPMER बोलते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पोस्ट की बात करें तो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसीज हैं। पीएचडी कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 58 साल 58 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। सैलरी रखी गई है CPC 7 लेवल 14A 168,000 इसमें इनिशियल सैलरी है। पौंडीचेरी इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। ऑनलाइन माध्यम से 24 जुलाई 2020 तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती है पेज नंबर 10 से। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, लेफ्ट साइड में आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर चार टाइप की वैकेंसीज निकाली गई हैं मुख्य रूप से। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटर और डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर्स के लिए। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 45 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 15,000 से लेकर के 1,00,000 रुपये इनिशियली सैलरी है यहाँ पर और दिल्ली इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। ऑफलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। 16 जून 2020 जो कि काफ़ी पास आ चुकी है, इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, इसकी लास्ट डेट काफ़ी पास है। पेज नंबर 11 पर आपको रिक्रूटमेंट की अगली नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन भी है दोस्तों। काफ़ी सारी अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई नोटिफिकेशन की, जहाँ पर कई सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं मैनेजर लेवल की। इंटरनल ऑडिटर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। इसके अलावा जूनियर मैनेजर प्रोडक्शन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अकाउंटेंट, जूनियर स्टोर कीपर, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट मिल राइट, प्रेस ऑपरेटर, मशीनिस्ट, असेंबलर, इलेक्ट्रीशियन और फिटर पेंटर, ये अलग अलग वैकेंसीज हैं जो कि जारी की गई हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि 10th प्लस ITI से लेकर के और ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर्स तक इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं और 10th प्लस ITI भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है मोस्ट ऑफ दी वैकेंसीज के केसेस में, हालांकि कुछ वैकेंसीज के लिए 55 ईयर्स भी एज लिमिट रखी गई है। 17,000 से लेकर के 169,700 रुपये इनिशियली सैलरी रखी गई है यहाँ पर और ऑल इंडिया इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। देश में किसी भी हिस्से में जॉब लोकेशन आ सकती है। ऑफलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है और 13 जुलाई 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसके बाद रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेगी पेज नंबर 12 से। CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की तरफ से सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। मैं इसी की बात करूँगा, मैं मेडिकल MBBS वाली वैकेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो ऊपर दी गई है मेडिकल ऑफिसर के लिए। मैं नीचे वाली वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए। एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स के लिए ये भर्ती है और जिन्होंने 8,000 से लेकर के 13,500 के पे स्केल पर काम करा है एक्स सर्विस मैन, सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। 44,900 इनिशियली यहाँ पर सैलरी ऑफर की जाएगी, अलाउंसेस अलग से होंगे। धनबाद झारखंड इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। ऑफलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। 27 जुलाई 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है, यानी कि आपकी भाई पोस्ट पहुँचने की लास्ट डेट है 27 जुलाई 2020। रिक्रूटमेंट की अगली नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर राइट साइड में है IIT कानपुर की तरफ से, जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। नॉन टीचिंग वैकेंसीज, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्टूडेंट काउंसलर, करियर डेवलपमेंट ऑफिसर और जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर्स, ये बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज हैं जो कि जारी की गई हैं IIT कानपुर द्वारा।
और 12वीं से लेकर के और मास्टर्स डिग्री तक के कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज दोस्तों मैं बता दूं 45 साल, 35 साल, 30 साल, अलग अलग यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है अलग अलग वैकेंसी के लिए। सैलरी काफ़ी अच्छी ऑफर की जा रही है, 21,700 से 69,000 कानपुर इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। ऑनलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। 12 जुलाई 2020 इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी पेज नंबर 12 से ही आ रही है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं, IIT वडोदरा की तरफ से ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों कि सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, अकाउंटेंट और इसके अलावा फैकल्टी मेंबर्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट के लिए। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स और मास्टर्स और PhD कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ज़्यादा डिटेल्स इसमें नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है। 30,000 से लेकर के 40,000 रुपये इनिशियल यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है। वडोदरा इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। ऑनलाइन इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 4 जुलाई 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ रही है पेज नंबर 13 से। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की तरफ से जहां पर फिटर की पोस्ट निकाली गई है और इसके लिए ITI कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें 1 साल का एक्सपीरियंस है। मैक्सिमम 27 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है। CPC 7 Level 2 5,200 से 20,200 ₹1900 ग्रेड पे के साथ यहां पर सैलरी ऑफर की जा रही है जिसमें सैलरी टोटल बनेगी आपकी 19,900 से 63,200 के बीच। विशाखापट्टनम इसमें शुरुआती तौर पर जॉब लोकेशन रहेगी, हालांकि बाद में ऑल इंडिया में कहीं पर भी जॉब लोकेशन आ सकती है, इस चीज़ के लिए आप थोड़ा तैयार रहें। ऑफलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। आपकी पोस्ट के पहुंचने की लास्ट डेट रखी गई है 12 जुलाई 2020। रिक्रूटमेंट की अगली नोटिफिकेशन भी पेज नंबर 13 से ही आ रही है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर राइट साइड में आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन को, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे रीजन की तरफ से नोटिफिकेशन है। ग्रुप सी पोस्ट के लिए ये भर्तियां हैं। कल्चरल कोटा, स्काउट गाइड कोटा और स्पोर्ट्स कोटा के अंडर में ये भर्तियां की जा रही हैं। 10th और 12th पास कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें वैकेंसीज़ हैं अलग अलग दोस्तों, और 3 कोटे में ये भर्तियां की जा रही हैं, स्काउट गाइड कोटा, कल्चरल कोटा और स्पोर्ट्स कोटा। शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ज़्यादा डिटेल्स इसमें नहीं दी गई हैं, लेकिन 18 से 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। हालांकि कुछ वैकेंसीज़ के लिए 18 से 25 साल भी एज लिमिट है। 19,900 से लेकर के 63,200 Level 2 की यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है। जॉब लोकेशन रहेगी ईस्टर्न रेलवे रीजन में, कहीं पर भी जा सकती है। 13 जुलाई ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की लास्ट डेट है। रिक्रूटमेंट की अगली नोटिफिकेशन पेज नंबर 14 से आती है और ये आज की आखिरी नोटिफिकेशन है इस पूरे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की। इस वक्त आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर राइट साइड में ये नोटिफिकेशन है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग CIFNET की तरफ से, जो कि पिछली बार भी, अभी आपने पिछली जो नोटिफिकेशन देखी थी वो भी इसी डिपार्टमेंट से थी, लेकिन ये दूसरी नोटिफिकेशन है। नेट मेकर के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। 10th पास कैंडिडेट्स जिन्हें नेट मेकिंग का एक्सपीरियंस है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 5,200 से 20,200 1,800 ग्रेड पे के साथ यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है जिसमें सैलरी बनेगी 18,000 से लेकर के 56,000 रुपये। चेन्नई इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है और ऑल इंडिया जॉब लोकेशन बाद में रहेगी, शुरुआत में चेन्नई इसमें जॉब लोकेशन रहेगी। ऑफलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। 12 जुलाई 2020 तक आपकी एप्लीकेशन बाय पोस्ट पहुंच जानी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरी तरफ से आप सभी को इन सभी वैकेंसीज के लिए ऑल द बेस्ट।